इस कॉलेज को बर्बाद कर दिया है, जिस कॉलेज को साहबुद्दीन ने बड़ी शिद्दत से बनवाया था सिवान के लोगों के लिए, क्योंकि साहबुद्दीन ने इस कॉलेज को सींचा था, बनाया था। आज हमारे बीच नहीं है, हमारा छोटा भाई था, और उसके काम को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। आपके शहर सिवान में IHSM लेकर आया है MSBTE से अप्रूव्ड फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के कोर्सेज का खजाना। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस ट्रेनिंग के लिए संपर्क करें। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी हमारे साथ पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर हैं, जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इन्होंने पिछले अप्रैल में राज्यपाल महोदय को एक चिट्ठी लिखी थी राजभवन में, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचारों की जांच की मांग की थी उस चिट्ठी में, और कहा जा रहा है कि इन्हीं के प्रयासों के नतीजे के नतीजा हुआ कि राजभवन के तरफ से तीन सदस्यीय जाँच कमेटी बैठाई गई और दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल में 20 घंटे तक मारी हुई, और उसके बाद राजभवन के जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी थी उन्होंने उन सदस्यों ने कहा कि छापेमारी में जो है डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। ये पूरा मामला जो है नामांकन में फर्जीवाड़े का था। नामांकन होगा, अंधेर नहीं होगा, इसलिए जो उन्होंने पूछताछ हुआ CCTV कैमरे से हुआ, ताकि कोई इधर उधर नहीं करा। एक तो 1 घंटा के बाद भाग गए, एक 5 घंटा के बाद पेशाब करने के बहाने भाग गए। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का ये हाल था, क्योंकि इन लोगों ने कॉलेज को लूटा ही नहीं है, इस कॉलेज को बर्बाद कर दिया है, जिस कॉलेज को साहबुद्दीन ने बड़ी शिद्दत से बनवाया था सिवान के लोगों के लिए, आयुर्वेदिक इलाज होगा सिवान का, हमारे सिवान के लोगों का, उसको इन लोगों ने उसको चाट गए हैं। अवैध नियुक्ति, एक एक आदमी की यहाँ कॉलेज के नाम पर लोग नौकरी करता है, कॉलेज में नौकरी करता है, लोगों के घर पर 7-7 गो स्टाफ रहता है, वैसे कितना उसमें भ्रष्टाचार है उसका कोई अंत नहीं है आयुर्वेदिक कॉलेज में। आपने कहा कि शासी निकाय के जो सदस्य हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित, शासी निकाय के सदस्य में 7 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। हाँ, उसमें 7 में कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन लोगों ने दस्तखत नहीं किया है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग दस्तखत नहीं किए हैं। दस्तखत करने वाले कौन, किन पर कार्रवाई होनी चाहिए? प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी? हाँ, सेक्रेटरी तो संजय पांडे हो गए, भाजपा नेता। कोई पांडे हो, सब पर कार्रवाई होना चाहिए जो लोग दोषी हैं उस पर। देर होगा, अंधेर नहीं होगा, इन लोग पर कार्रवाई होगा। जरूरत लगा तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम इन लोग को छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि साहबुद्दीन ने इस कॉलेज को सींचा था, बनाया था। आज हमारे बीच नहीं है, हमारा छोटा भाई था, और उसके काम को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो ये बर्बादी मैं जिंदा रहते बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, अभी जो लोग अभी जुड़े हैं हम उनसे बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे विक्रम कुंवर जी हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जो पिछले 12 और 13 सितंबर के बीच 20 घंटे की जो छापेमारी हुई, राजभवन के स्तर से जो टीम बनाई गई थी उस टीम ने छापेमारी की, और उसके बाद टीम ने मीडिया में आकर के कहा कि वहाँ पर गलती हुई है, और वो गलती डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जो दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है उन्होंने खुद स्वीकार की है। इसकी जो पटकथा, ये जो तमाम बहुत पहले से ये पूरा मामला चल रहा था, अप्रैल में विक्रम कुंवर जी जो पूर्व मंत्री हैं हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने ही शिकायत की थी राजभवन में, उसके बाद से ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है। अभी बड़ी गंभीर आरोप सर लगा रहे हैं कि यहाँ पर तो प्रिंसिपल से लेकर शासी निकाय के कुछ सदस्य भी मिले हुए हैं, और आप पैसे की उगाही की बात कर रहे हैं, तो क्या पैसे का आपके पास क्या जानकारी है, क्या खेल है इसमें? बच्चों ने मुझसे बताया कि एक बच्चों से 10 से 15 लाख रुपया एडमिशन के नाम पर लिया गया है, जो और लोकल लोगों को नहीं लिया जाता है। लोकल वो बिहार के, यूपी के, दूसरे राज्यों के बच्चों का यहाँ एडमिशन होता है। गलती से बहुत भयंकर पैर भी रहा था, एक दो एडमिशन हो गया,
नहीं तो लोकल लोगों का एडमिशन बहुत कम है, इसलिए ये सब जो भी काम किए हैं बाहर के लड़कों के साथ इन लोगों ने किया है। अच्छा, ये 29 लड़कों से आप कह रहे हैं कि 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए लिए गए हैं? हाँ, लिए गए हैं। तब तो ये मामला करोड़ों के घोटाले की। करोड़ लड़कों ने हमको बताया है कि सर हम इतना दिए, हम इतना दिए, उसमें बच्चियां भी है। अच्छा सर, अब तो अब कहीं ना कहीं जो एक जांच जो है, जांच कमेटी ने मीडिया में आकर के कह दिया कि माफ कीजिएगा, मीडिया में जांच कमेटी ने कह दिया कि दोषी जो है, ऐसा लग रहा है दोषी हैं ये, उन्होंने अपना दोष स्वीकार किया है। राजभवन में ये रिपोर्ट पहुंचने वाली है या पहुंच संभवतः पहुंच गई भी। राजभवन के स्तर से अब क्या कर रही होगा दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी? रिपोर्ट भेजे तो उसके बाद हम फिर गवर्नर से अब व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे उस रिपोर्ट को लेकर के, इन लोग पर कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। ये लोग लूट नहीं रहे हैं, एक हैं जो इसके प्रेसिडेंट हो भी है, जिला के तो है नहीं, उनको कोई जिला से क्या दर्द है? आप पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह की बात कर रहे हैं, जिसको समझ लीजिए वही ना प्रेसिडेंट है, और एक सेक्रेटरी है जो है ग्रेजुएट, पीएचडी का डिग्री लिए हैं एथी से, क्या बोलता है, पंजाब से, समझे? अब यही लोग चमड़ा के रखवाल क्या होता है, सियार वाला हाल है, ये लोग क्या रक्षा करेंगे सीमान का? माने शासी निकाय के जो सदस्य हैं उन पर भी आप सवाल, या उनके एजुकेशन पर और उनके तमाम निश्चित, इसके पीछे इसका किंग मेकर है सरगना है मंगल पांडे, पूर्व मंत्री मंगल पांडे, हाँ इसके सरगना है। सिवान में जो भी लूट खसोट हुआ है उसका सरगना मंगल पांडे है, उसको भी मैं नहीं बकसने वाला हूँ। तो ये तो बड़ी गंभीर, बड़ा गंभीर आरोप है स्वास्थ्य मंत्री, क्या इस पूरे मामले में 29 छात्रों के मामले में उनकी भी संलिप्तता रही? निश्चित, आप ये कह रहे हैं निश्चित होगी? ठीक से संजय पांडे से पूछताछ हो, प्रिंसिपल से पूछताछ हो तो ये सब पकड़ पकड़ कर देंगे। आई जो लड़कों से करोड़ों रुपया लिया गया तो एक जगह थोड़े गया है, एलोंग में बटा होगा। तो मामला तो ऐसे में तो निगरानी का भी बनता है, क्या निगरानी विभाग का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा? पहले करोड़ों का मामला, पहले हम यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि वीडियोग्राफी हुआ है, वीडियोग्राफी हुआ तो उसमें से तो कमेटी के लोग इधर उधर करेंगे नहीं, और कमेटी में जो लोग अच्छे लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, चुन चुन करके उन लोगों को दिया गया है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। पानी पिया, पानी, आप निश्चिंत रहिए कि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, देर होगा अंधेर नहीं होने देंगे, जिंदा रहे तो कार्रवाई करवाएंगे। यही नहीं, अभी 5-6 और जिले का केस है करप्शन का, मैं उसको भी उठाने जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो 29 छात्रों का मामला तो हो ही गया, इसके अलावा भी आपने बहुत सारे जो वहाँ पर माल प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारी बुराइयाँ व्याप्त हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब आपको मैं बता दूँ, आयुर्वेदिक कॉलेज और होम्योपैथी कॉलेज में एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं है, कहीं नहीं है। इन्होंने एक एलो मिल करके 28 एम्बुलेंस विधायकों से लिखवाया था, जिसका कीमत 7 लाख था, 21,80,000 में खरीदाया, और उसमें पर एम्बुलेंस विधायकों को 6-6 लाख रुपया मिला। यदि जांच हो तो प्रूफ हो जाएगा, उन लोगों का नार्को टेस्ट हो तो प्रूफ हो जाएगा, उन लोगों का खाता का जांच हो तो प्रूफ हो जाएगा, समझे? 6-6 लाख रुपया लिया। डीएम सिवाने के डीएम ने कहते थे कि एम्बुलेंस घोटाला में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, वहीं से उनका जूनियर अफसर ने प्रूफ कर दिया कि 10 लाख का एम्बुलेंस है, 21,80,000 निकाला गया है। डीएम साहब का तो बात कट गया उसी दिन, और डीएम साहब ने जो रिपोर्ट दिया इनको देना चाहिए था कि वो माननीय सदस्य जिन्होंने अनुशंसा किया, वो जो परचेजिंग कमेटी है, सिविल सर्जन है और जो अफसर है उन लोगों पर भी कार्रवाई हो। तो डीएम साहब ने किसके विषय में रिपोर्ट दिया जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। आप बताएं। हम बता रहे हैं, जो सप्लायर था उस पर खाली एफआईआर करने का आदेश दिया। अच्छा, इंद्रासन पर? इंद्रासन पर, उसी पर वो केस हुआ है। ये असेंबली खुलेगा तो ये मामला उठवाऊंगा अपने मित्रों से, और अभी सरकार डिस्टर्ब थी, बाद में मुख्यमंत्री से भी
उनके नॉलेज में लाकर कार्रवाई कराने का। क्या विधानसभा में भी दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का ये जो एक घोटाला है, ये तमाम मामला जो है वर्षों से चला आ रहा है, ये क्या विधानसभा में आपके माध्यम से उठवाया जाएगा? अपने मित्रों से उठावेंगे, हम तो विधायक नहीं हैं, लेकिन हम अपने मित्रों से इसको उठवाएंगे। आज जरूरत लगेगा तो मैं हाईकोर्ट भी जाऊंगा। मुझे एगो भगवान के छोड़ किसी से डर नहीं लगता है। तो बड़ी गंभीर आरोप है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर विक्रम कुंवर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मिली भगत से दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सीवान में घपले घोटाले का ये पूरा का पूरा खेल चल रहा था। अच्छा, ये शासी निकाय कहीं किसी स्कूल या कॉलेज में सुने हो कि प्रेसिडेंट को और सेक्रेटरी को कॉलेज गाड़ी देती है, ड्राइवर देता है, तेल देता है, कहीं होता है? कहीं सुने हो? उस कॉलेज में इन लोगों को मिलता है, गाड़ी भी मिलता है, तेल भी मिलता है, ड्राइवर भी मिलता है, सब सुविधाएं मिलती है। अभी राजभवन के स्तर से क्या लगता है आपको विक्रम कुंवर जी के, राजभवन से क्या रिपोर्ट, अगर ये जो 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी थी वो रिपोर्ट अगर राजभवन को सुपुर्द करती है तो राज्यपाल महोदय के तरफ से क्या जो है वो कार्रवाई की जाएगी? होगी, नियमानुसार जो 420 का केस होगा इन लोगों पर, ये आपको मालूम है कि नहीं? उन लोग जांच करने वाले लोगों ने कहा इन लोगों से कि आप प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, आप लोग पता 420 का केस बनता है, तो एक भाग गए एक घंटा बाद, एक 5 घंटा के बाद कि पेथा पर आ जाता नहीं, पेथा पर क्या होता ना, वो भाग गए, शासी निकाय के दोनों भाग गए। तो इस पर आगे जो है FIR दर्ज भी संभव है, हो सकता है राजभवन? हाँ यार, मैं सब कराऊंगा, जब जिंदा रहेंगे तो सब कराएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रम कुंवर जी हमारे साथ थे जी। 3 दिन बानी है यार। ठीक है सर, ठीक है। तो आपने सुना, विक्रम कुंवर बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जो छापेमारी हुई थी और जो उन छापेमारी के बाद जो जिन सदस्यों ने राजभवन के द्वारा गठित टीम के, जिन उच्च स्तरीय जो टीम गठित की गई थी, उन सदस्यों ने जो बातें कही वो अपने आप में बड़ा गंभीर था कि दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने अपनी गलती स्वीकार की है, ये ऑन रिकॉर्ड उन सदस्यों ने कही थी। और अभी हम विक्रम कुंवर से आपकी बात करवा रहे थे, विक्रम कुंवर वो शख्स हैं जिनके शिकायत पर ऐसा कहा जा रहा है, वो लेटर भी यहाँ पर है, 4 अप्रैल 2000, देखिए वो लेटर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, उन्होंने अपने पैड पर ये लिखा है 4 अप्रैल 2022 को, ये देखिए। उसके बाद जब जांच कमेटी बन गई, जांच कमेटी ने 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर कुल तक लगातार 20 घंटे के का जांच किया और उसके बाद ये तमाम मामला सामने आया। फिलहाल आप इस वीडियो से, इस लाइव सेशन से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर देंगे, देखते रहिए समय सिवा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंधरढाला ओवरब्रिज के नीचे सिवान।